जब से भारत में जियो लॉन्च हुआ है तब से आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन की मुश्किलें बढ़ती चली गई। और आइडिया वोडाफोन की मुश्किलें तो इतनी बड़ी कि इन दोनों को अपनी कंपनी ही मर्ज करनी पड़ गई। लेकिन इसके बाद भी इनकी परेशानियां कम नहीं हुई, जिसकी वजह थी AGR। अब AGR क्या होता है? AGR को आप एक तरह से टैक्स समझ सकते हैं, जो कि टेली कम्युनिकेशन कंपनीज के ऊपर सरकार की तरफ से लगाया जाता है, और इसके अंदर उन्हें कुछ पैसे अपनी रेवेन्यू के सरकार को देने होते हैं। अब यहाँ पर 2005 से कंपनीज और सरकार के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा था कि भैया, कंपनीज कह रही थी कि हम जो रेवेन्यू अपने कॉल, डेटा और इंटरनेट की सर्विसेज देकर करते हैं, उसी पर हमें AGR देना है। जबकि सरकार का कहना था कि भैया, इसके अलावा भी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको ये AGR उस पर भी देना होगा। लेकिन कंपनीज ने सिर्फ अपनी कुछ ही सर्विसेज के ऊपर AGR दिया था और उसके ऊपर उन्होंने AGR दिया ही नहीं था। और वो उनके पैसे 2005 से बढ़ते बढ़ते अभी तक 15 साल तक बढ़ चुके थे, और ये टोटल वैल्यू एयरटेल के ऊपर हो चुकी थी 43,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए एयरटेल दे चुका है। अब क्योंकि आइडिया वोडाफोन पहले अलग अलग होती थी, लेकिन अब ये मर्ज हो चुकी हैं, तो अब इन दोनों को कंबाइन करके 58,000 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन इसमें से सिर्फ इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए ही दिए थे। तो यहाँ पर आइडिया और वोडाफोन की मुश्किलें ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि इनकी खुद की इनकम भी इतनी नहीं थी कि ये अपना AGR सरकार को दे सके। अगर सरकार इन्हें टाइम नहीं देती अपना AGR चुकाने के लिए, तो इन्हें अपनी कंपनीज बंद तक करनी पड़ सकती थी। लेकिन इन दोनों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना था, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया है, जिसके अंदर इन्हें 10 साल का समय दिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि 10% आपको अगले साल तक चुकाना होगा, और बाकी का जो आपका 90% है वो आप 10 सालों में किस्त देकर चुका सकते हैं। जैसे ही ये वर्डिक्ट आया तो कुछ लोगों का और इन्वेस्टर्स का इन कंपनीज के अंदर भरोसा जागा, और वो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आ गया है। अब ऐसी एक रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि अमेज़न और एक अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वेरिज़ोन इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है, वो भी 4 बिलियन का। अब अमेज़न के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन वेरिज़ोन क्या है? वेरिज़ोन बेसिकली एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती है, जैसे कि यहाँ पर आइडिया, एयरटेल और जियो है, ऐसे ही अमेरिका के अंदर वेरिज़ोन होता है। हालांकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ इस खबरों के आने से ही इस कंपनी के जो रेट्स थे, जो शेयर प्राइस थे, वो बढ़ गए, और वो भी इतने बड़े कि 52 वीक्स में अभी तक के सबसे ज्यादा इसके शेयर मार्केट के प्राइस बढ़े हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसका प्राइस 0.98 रुपीज हायर था, जो कि 52 वीक्स में सबसे ज़्यादा था। अब आप सोचे होंगे कि 0.98 पैसे से बढ़ने से क्या हो जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में एक पैसा बढ़ना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिज़नेस होता है वो लाखों करोड़ों रुपए में होता है, और इसीलिए अगर एक पैसा भी यहाँ पर ऊपर नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि करोड़ों रुपए का फ़ायदा या नुकसान। अब जैसे ही रिपोर्ट सुनी, उसके बाद एक और चीज़ ने यहाँ पर इसको ज़्यादा हवा दी, और वो थी कि कंपनी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो फ्राइडे को, यानी कि आज, एक फंड रेजिंग मीटिंग बिठाएंगे। अब बोर्ड क्या होता है? किसी भी कंपनी का जो बोर्ड होता है वो बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि शेयर मार्केट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनकी मीटिंग करवाता है, और ऐसे ऐसे फैसले और ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। अब ऐसी ही एक मीटिंग आज करने वाले हैं, और आज इस मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि वो अपनी कंपनी के लिए फंड कैसे लाएं और कहां से लाएं, क्योंकि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 10 साल का समय दे दिया है, तो इनके पास अच्छा खासा समय है कि अपना AGR भी चुका सकते हैं और कंपनी को आगे तक भी लेके जा सकते हैं, और यहाँ तक कि फायदे में भी लेके जा सकते हैं। वैसे 52 वीक्स में इनके शेयर प्राइस इसलिए ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये कंपनीज बहुत पहले से घाटा ही देखती आ रही हैं। अभी इसी साल के पहले क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल, मई और जून में इनका जो लॉस हुआ था वो था 25,460 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले साल यही लॉस 4,874 करोड़ का था। मतलब इन्हें लॉस होता ही चला जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद, तब से इसके जो शेयर होल्डर्स थे उनमें काफी विश्वास जागा है, और वो इसमें हो सकता है आगे जाके इन्वेस्टमेंट भी करें, और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो सकता है कि आगे जाके और ज्यादा शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करे। जब से US बेस्ड कंपनीज की इनमें इन्वेस्टमेंट करने की रिपोर्ट्स आई हैं, तब से इसके शेयर प्राइस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।